जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र नहीं। जब अपने सपनों के बारे में बात करती है ना, तो मुझे डर लगता है कहीं उसे सच्चाई पता चल गई तो वो सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ताई। वो तो टूट जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती ताई। क्या छुपने छुपाने की बातें हो रही थी? कोई बात नहीं, कुछ भी छुपाने की बात नहीं चल रही थी यहाँ पे। झूठ क्यों बोले? मन बोले बताओ ना सच्चाई। अभी तो बोले था ना कि वर्षा से कुछ छुपाना, अभी सामने आई तो मुकर गए। एक बात तुमसे जरूर कहूंगी वर्षा, जिस सुख से तुम आज इतनी दूर भाग रही हो ना, कल को कहीं ऐसा ना हो कि उस सुख के लिए तुमको तरसना पड़े। ये बच्चा जो मेरे पेट पे पल रहा है, यही सारे फसाद की जड़ है ना, मैं इसे ही अबॉर्ट करवा दूँ। वर्षा ने अबॉर्ट करा दी। वर्षा, एक बच्चा सिर्फ माँ के लिए नहीं होता है, माँ बाप दोनों का होता है, उससे जुड़ा हर फैसला दोनों का होता है। ये फैसला अपने आप करके तुमने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया। जब अपने सपनों के बारे में बात करती है ना, वो सच्चाई को मुझे डर लगता है। कभी माँ नहीं बन सकती। वशी तो सच कह रही, हमें वर्षों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कब तक उसे और अंधेरे में रखेंगे हम लोग? मैं सतीश जी और मानव से बात करती हूँ। लेकिन तू क्या कहेगी उनसे? यही कहूंगी कि वर्षा को सच बता दीजिए, क्योंकि मैं वर्षा को ऐसे नहीं देख सकती। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। देख, हम जानते हैं कि वर्षा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानती। उससे अच्छा है कि मुझे बता दे कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अब तो धर्मेश भी यहाँ आ गया है, पता नहीं मुझे इस मुश्किल का कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा। वैश्य चल, हम सतीश जी से बात करते हैं। चल बस बेटा, बस हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, बन गया। अरे आई, बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं चलती हूँ, वरना रसिका ही नाराज हो जाएंगी। मेरी बेटी होके उस नालायक औरत से इतना डरती क्या रे चू? नहीं आई, बात यहाँ डर की नहीं तो बात अजीत की खुशी की है। अजीत भले ही अपनी आई से कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए, कितना ही झगड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी कोई बेइज्जती करे। तो उनकी खुशी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अभी तक मंजू ताई और विनोद दादा भी चले गए होंगे। क्या छोड़, अब तुम बातों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा एक बात बता, वो तेरी दादा से कुछ बात हुई क्या? अरे मैं उससे बात करने के लिए निकली थी, मतलब वहाँ पहुँच भी गई, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ बाहर निकला था तो मैं चुपचाप चली। अच्छा, लेकिन
ये तू इंतजार इंतजार कब से करने लगी? तूने ये सब कब से सीख लिया? जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू अगर एक बार ठान लेना तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानती। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे? ये बदली बिदली कुछ नहीं हूँ, मैं जाके बोलने वाली थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में तेरे पिताश्री का ख्याल आया। उन्होंने बताया था गुस्से में कोई बात भी अच्छी नहीं होती है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो मैं चुपचाप बैठी, निकल आई। बस एक बात बोलूं, ये तेरे बाबा है ना, ऐसे है लेकिन कभी कभी अकल की बात करते हैं। हाँ, मैं हमेशा अकल की बात ही करता हूँ। देख आ गए। लेकिन प्रॉब्लम तेरे साथ है, मेरी बात तेरे कभी पल्ले ही नहीं पड़ती। जरा सी क्या बात बोली, तेरे पिताश्री हड़बड़ा के चढ़ गए पेड़ पर, धड़म धड़म। ना बाबा ना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा ना तो तू नीचे आके ऐसे हिला हिला कर मुझे नीचे गिरा देगी। बाबा बस, हाँ। अगर आपको झगड़ना है ना तो मैं जा रही हूँ। हाँ। अरे ए, रुक। आई नहीं, देख बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है और मैं नहीं चाहती कि रसिका कुछ कहे। ठीक है, चलती हूँ मैं। वैशाली, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ मानव, अब वो ठीक है। मानव, मुझे आपसे और सतीश से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। अकेले में कुछ बात करनी है सतीश। कोई सीरियस बात है? हाँ सीरियस है, आप लोग प्लीज मेरे साथ। हाँ चलो। ऐसी क्या बात हो सकती है मेरे सामने बोली नहीं जा सकती? शायद मेरे ही बारे में कुछ होगा। अरे बंधु, आई और मंजू ताई कहाँ है? मंजू ताई तो आई के साथ कहीं बाहर गई हैं। मंजू चली गई। चलो अजीत, अब मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं रुको ना विनोद तुम। अरे नहीं नहीं कभी और। ठीक है बंधु, बाय बाय। अरे आपने ये लाइट क्यों बजा दी? नहीं बस यूं ही। अच्छा आई ने कुछ बताया कब लौटेगी वगैरह? नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। हो सकता है कि वो मंजुताई कहीं पे रुक जाए। अजीत क्या कर रहे हैं आप? वाकई पता नहीं तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़िए ना मुझे। नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। अजीत बंधु, बंधु ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक तो ये छोटा सा घर, ऊपर से 24 घंटे आई का पहरा। सच कहता हूँ तुमसे बात करने के लिए तरस जाता हूँ मैं। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद कोसों दूर हैं हम, कोसों दूर, और आज मौका मिला है इन दूरियों को मिटाने का, और ये मौका मैं छोड़ने वाला नहीं। छोड़ी ना, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? दरवाजा मैंने बंद कर लिया है।
विनोद, कितनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अजीत से बात हुई? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस अकेले अजीत का नहीं है, इसमें मानव भी उसके साथ शामिल है। क्योंकि ये आइडिया मानव का था तो सारे फैसले भी मानव ही करेगा। अरे लेकिन आई तो बता रही थी कि उसे पैसे तो अजीत ने दिलवाए। अजीत ने सिर्फ गारंटी ली है, पैसे मानव ने उठाए हैं और उसका ब्याज भी मानव ही लौटा रहा है। अजीत तो पिक्चर में तब आएगा जब मानव वो पैसे नहीं लौटा पाएगा, और उसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती। मतलब? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। अगर उनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले एक दो महीनों में मानव पैसे लौटा देगा। अरे तो मैं आई से बात करती हूँ ना, वो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। देखो बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। अर्चना क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात है जो तुम? सतीश जी मुझे लगता है कि वर्षों को हमें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, कब तक हम उसे छुपाते रहेंगे। अर्चना मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तुम जानती हो ना कि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अभी ये सब सच्चाई बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं मालूम। जीजू अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चलिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। अशोक जीजू आप सब लोग बहुत स्ट्रांग हो लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं वर्षों के सपने को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। जीजू क्या आप देख सकते हैं? देख सतीश मेरी बात ध्यान से सुन, तू उसे सच्चाई छुपा रहा है, तू उसको खुशियां नहीं दे रहा बल्कि उसकी तकलीफ और बढ़ा रहा है। अगर आज उसे सच्चाई बता देगा तो उसे दुख होगा लेकिन हम सब है ना उसे संभालने के लिए, कैसे भी करके एक बार हिम्मत जुटा के बता दे फिर हम सब संभालेंगे। मैं सोच रहा हूँ मानो कि तुम सही बोल रहे हो, देखा जाए तो अभी तक मुझे वर्षा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। लेकिन सच बताऊं मैं खुद इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मैं ये सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं कि अब मैं बाप नहीं बन सकता। अब मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी है और वर्षा को भी बतानी है। ठीक ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आज आई कल गई, अब हमें ये जिंदगी भर साथ लेकर चलना है। ठीक मैं एक्सेप्ट करूंगा अब इस बात को, थोड़ा सा जज्बाती हो गया था मैं, पर अब नहीं, अब मैं वर्षा को सारी सच्चाई बता दूंगा। बस तब तक तुम लोग मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। सतीश जी हम आपके साथ हैं। थैंक्स सर। अरे वो धर्मेश कहाँ है? जब सबको बात मालूम ही चल गई है तो फिर उसे भी बता देते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ उसको बुला के लाता हूँ। ताई धर्मेश आ रहा है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ उस कमरे में। क्या बात कर रहे होंगे ये इतनी देर तक, कहीं वैशु ने सतीश को सब कुछ पता तो नहीं दिया? और फिर वो अर्चना मानव भी तो वही है, आग में घी डालने का काम अच्छे से आता है उन्हें। अगर मुझे पता होता वो दोनों यहाँ हैं तो मैं यहाँ आने की गलती कभी नहीं करता। लेकिन अब ये सब सोचकर क्या फ़ायदा, जो सामने आने वाला है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। बस सतीश को कैसे आका फोन इस वक्त। हाँ माँ। धर्मेश कहाँ हो तुम? अरे कब से ना फोन ना कोई मैसेज। तुम्हारी ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वहां से तो तुम कब के निकल चुके हो। पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारा फोन लगा है। एक्चुअली माँ मैं एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया हूँ बॉम्बे से। कुछ काम था? नहीं नहीं दरअसल बात यह है कि मैं कहीं काम से बाहर जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि पहले तुमसे पूछ लूँ तुम कितने बजे आने वाले हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर से निकलूँ और वैशाली आ जाए।
खामखा बेचारी को दरवाजे पर वेट करना पड़ेगा ना। नहीं माँ, एक्चुअली वैशाली का फोन आया था मुझे, वो कह रही थी कि आज नहीं आ पाएगी। तुम जाओ ना, अपना काम कर लो। और माँ मेरी चिंता मत करना, एक्चुअली मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक, ओके, टेक केयर। रमेश ऊपर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ ऐशु का रवैया देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने सतीश को सब कुछ सच सच बता दिया है। रमेश सोच क्या रहे हो, आओ ना। हाँ सतीश मैं आता हूँ, एक एक फोन करना है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब इस वक्त वहां अंदर जाने में कोई समझदारी नहीं है। एक तो सतीश नाराज होगा, ऊपर से वहां अर्चना मानव भी मौजूद है जो मेरी एक एक करतूत के गवाह। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं इस वक्त उनमें से किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा है अभी यहां से निकल लेता हूं, बाद में मुंबई में सतीश से मिलकर उसे सब कुछ समझा दूंगा। हो सकता है सतीश मान जाए। हाँ यही ठीक है, इससे पहले कि सतीश फिर से मुझे आवाज़ दे मुझे निकल जाना चाहिए। मत भूलो कि तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए रुकाया है क्योंकि मुझे वरुण की परवाह। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आती ना। जो भी प्रॉब्लम हुई है ना सब तुम्हारी वजह से हुई है। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? हम पुणे वापस जा रहे हैं, अपने घर। पापा भी हमारे साथ चल रहे हैं। कोई पापा पापा नहीं जाएंगे हमारे साथ, हम दोनों यहाँ अकेले आए थे और अकेले वापस जाएंगे। दोनों का एक दूसरे की सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी? पापा तो फिर से पापा? एक बात कही हुई बात दिमाग में घुसती नहीं है क्या? वापस पापा पापा किया ना तो दो चाटे लगाऊंगी। और तू अपनी पापा पापा की यादें है ना वो यही छोड़ के चलना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो ठीक तू रुकी यहीं पे और अपने पापा का वेट कर। मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त। पापा 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 मम्मी तो चाहिए नहीं ना तुझे। मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे पापा के साथ नहीं आना। खिलौने ले लूं, पापा ने दिए हैं। तुझे कहा ना मैंने हम यहाँ की कोई चीज नहीं लेके जाएंगे, मैं तुझे नए खिलौने दिलवाऊंगी। इतनी बड़ी बात कैसे कहूं मैं वर्षा से, कैसे रिएक्ट करेगी वो अगर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। और मानो वर्षा को तो मैं संभालूंगा एक बार, लेकिन आई पापा उनको ये सब मैं कैसे बताऊं? पापा तो फिर भी ठीक है एक बार समझ जाएंगे, लेकिन आई पहले से वो वर्षा चिड़ी हुई है, अभी ये बातें मालूम चलेंगी तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा उनका। देखिए सतीश जी आप किसी और के बारे में इतना मत सोचिए, इस बात का दुख जितना ज़्यादा वर्षा को हुआ है उतना किसी को नहीं हो, क्योंकि वो माँ नहीं बनने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको वर्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि इन सारी बातों पर। हाँ सतीश अच्छा सही कह रही, अगर तुम दोनों को इस सच्चाई के साथ जीना स्वीकार है तो फिर बाकी सबकी टेंशन मत लो, हम समझा देंगे। तुम जाओ और पहले वर्षा से बात करो। ठीक है
हाँ है कहाँ वर्षा, काफी देर से दिखी नहीं वो। और जब भी हम लोग बाहर डांस कर रहे थे तब मैं वैशु के पीछे चली गई थी और वापस आया तभी वर्षा नहीं थी। पता नहीं कहाँ है। अनब आपने देखा क्या? लेकिन इतनी रात को वर्षा जा कहाँ सकती? सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के।